आज की हम क्लास में देखते हैं कि मुहावरा होता क्या है और लोकोक्तियाँ क्या होती हैं, मुहावरे और लोकोक्तियों में क्या अंतर है, इन दोनों की क्या विशेषताएं हैं और क्या समानताएं हैं। मुहावरा अरबी भाषा के मुहावर शब्द से बना है और जिसका अर्थ है अभ्यास करना या बातचीत करना। जो मुहावरा शब्द है ये एक विलक्षण होता है। विलक्षण का मतलब है कि बहुत सारी विशेषताओं को समावेशित करने वाला जो शब्द है उसको हम मुहावरा कहते हैं। बहुत सारी विशेषताएं कैसे, यानी कि जैसे जलेबी की तरह जो मुहावरा है वो भी बहुत क्या होता है कि बहुत सारी विशेषताओं को समावेशित करने वाला होता है। जो मुहावरा है, अभी मैंने आपको बताया कि अरबी भाषा का शब्द है, तो मुहावरा अरबी भाषा के मुहावर शब्द से बना है और जिसका अर्थ है अभ्यास करना या बातचीत करना। कुछ लोग मुहावरे को रोजमर्रा या वाक्धारा भी बुलाते हैं। अब देखते हैं कि मुहावरे की परिभाषा क्या है। मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश है जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर विलक्षण अर्थ का बोध कराता है, उसको मुहावरा कहते हैं। कहने का मतलब है एक ऐसा वाक्य जो सामान्य अर्थ नहीं बोध कराता बल्कि विलक्षण अर्थ बोध कराता है। विलक्षण का मतलब है कि उसमें बहुत सारी विशेषताएं समावेशित किए हुए होता है, तो वाक्यांश को हम क्या कहते हैं, मुहावरा कहते हैं। तो मुहावरे का क्या मतलब है कि ऐसा शब्द जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर विलक्षण का मतलब है कि बहुत सारी विशेषताओं को समावेशित करने वाला होता है, तो उसको हम मुहावरा कहते हैं। अब हम देखते हैं कि मुहावरे की विशेषताएं क्या होती हैं। मुहावरे का उपयोग वाक्य के प्रसंग में होता है, अलग नहीं होता। यानी कि जो मुहावरे के वाक्य में कहा गया है उसी के अनुसार इसका उपयोग किया जाता है, अलग उपयोग नहीं किया जाता। जैसे कोई कहे पेड़ काटना, तो इससे विलक्षण अर्थ प्रतीत नहीं होता बल्कि इसके विपरीत कोई कहे कि मैंने पेड़ काटकर अपने लड़के को पढ़ाया है, तो इसके वाक्य में लाक्षणिकता, ललित्य और प्रभाव उत्पन्न होता है। कहने का मतलब है कि पेड़ काटना, पेड़ कट गया है, नॉर्मली इसका कोई विलक्षण अर्थ नहीं है अगर हम इन्वायरमेंट के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखते हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि मैंने पेट काटकर अपने लड़के को पढ़ाया है, तो इसमें उस माँ की ललित्य, प्रभा, प्रेम और ममता और देश के लिए एक अच्छे नागरिक की विशेषताओं को समावेशित करने वाला वाक्य हो जाता है। तो पेड़ काटना एक साधारण वाक्य हो जाता है, जबकि कोई कहे कि पेड़ काटकर मैंने अपने लड़के को पढ़ाया है, तो उसमें बहुत सारी विशेषताओं को समावेशित करने वाला हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो मुहावरा है वो सामान्य अर्थ का प्रतीत नहीं कराता बल्कि विलक्षण अर्थ का प्रतीत कराता है। मुहावरे का असली रूप कभी नहीं बदलता, अर्थात उसे पर्यायवाची शब्दों में नहीं बदला जा सकता। जैसे कमर टूटने के स्थान पर कटिबंध शब्द का उपयोग नहीं किया जाएगा। अब ये जो मुहावरा है, इनमें मुहावरों में पर्यायवाची शब्दों का उपयोग नहीं किया जाएगा। दूसरा क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि जैसे कमर टूटना और कटिबंध एक ही समान अर्थ देने वाले शब्द हैं, लेकिन दोनों के अवबोधक अर्थ में मुहावरे में अंतर आ जाता है। तो कटिभंग, भंग का मतलब भी है टूटना और कमर का मतलब भी है, भंग का मतलब भी है दरार पड़ना और टूटने का अर्थ भी है दरार पड़ना। लेकिन जो मुहावरे का में पर्यायवाची शब्दों का उपयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि मुहावरे में शब्द का अर्थ नहीं लिया जा रहा है बल्कि उसका अवबोधक अर्थ लिया जा रहा है। तो जब कमर टूटना और कटिबंध का हम अवबोधक अर्थ निकालेंगे तो दोनों में अंतर आएगा, इसलिए पर्यायवाची शब्दों का मुहावरे में उपयोग नहीं किया जाता है। मुहावरे का शब्दांत नहीं बल्कि अवबोधक अर्थ ही ग्रहण किया जाता है। जैसे खिचड़ी पकाने का कोई विशेष अर्थ नहीं है, परंतु इसका मुहावरे में उपयोग करने पर गुप्त रूप से सलाह करना होता है। जैसे अगर हम घर जाते हैं, कहते हैं मम्मी क्या बन रहा है, कि खिचड़ी पकड़ी है। लेकिन अगर हम जैसे क्लासरूम के अंदर ही देखते हैं कि कुछ बच्चे बैठ के बातें करते रहते हैं या कुछ गपशप करते रहते हैं, तो हम कहते हैं कि इनके बीच में कहीं ना कहीं कोई खिचड़ी पकड़ी है। खिचड़ी पकने का मतलब है कि गुप्त रूप से ऐसी कोई सलाह कर रहे हैं।
तो इस तरीके से हम देखते हैं कि खिचड़ी पकाना एक सामान्य अर्थ हो गया है, लेकिन जब उसका मुहावरे में उपयोग किया जा रहा है तो क्या हो जाता है, गुप्त रूप से सलाह करना हो जाता है। मुहावरे का अर्थ प्रसंग के अनुसार होता है। जैसे लड़ाई में खेत होने का अर्थ युद्ध में शहीद होना है, ना कि लड़ाई के स्थान पर किसी का खेत होना। कहने का मतलब है कि जो मुहावरा है उसका अर्थ प्रसंग के अनुसार होगा। तो लड़ाई में खेत होना का मतलब है, जो अर्थ निकलता है वो निकलता है युद्ध में शहीद हो जाना। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मुहावरे का अर्थ उसके प्रसंग के अनुसार लिया जाता है। जो मुहावरे हैं वो समाज व देश के अनुरूप बनते और बिगड़ते रहते हैं। जैसे जो मशीनी युग के मुहावरे थे या जो प्राचीन युग के मुहावरे थे और आज के मुहावरों में बहुत अंतर आता है, क्योंकि मुहावरे कैसे हैं, परिवर्तनशील हैं, वो समाज और देश के अनुसार बनते और बिगड़ते रहते हैं। दूसरी चीज क्या है कि जो मुहावरा है वो पूर्ण वाक्य नहीं है, क्योंकि अधिकतर आप देखते हैं कि मुहावरे के अंत में क्या होता है, ना शब्द का उपयोग किया जाता है। जैसे आपने इन सब मुहावरों में देख रहे हैं तो इनमें आप देख रहे हैं कि अधिकतर क्या किया जा रहा है, ना शब्द का उपयोग किया जा रहा है। जो मुहावरे हैं वो देश की भाषा की समृद्धि और विकास के मापक होते हैं। जब किसी देश की भाषा समृद्ध है या उस देश में विकास हो रहा है तो इसकी पहचान हम उन देश के मुहावरों से कर सकते हैं, क्योंकि समृद्धि और विकास के मापक भी उस देश में जो मुहावरे हैं उनका जो उपयोग किया जा रहा है इस बात से प्रतीत होता है। जैसे कि हम बहुत सारी बातें मुहावरे के रूप में बोल देते हैं तो ये भी क्या माना जाता है कि देश की भाषा की समृद्धि और विकास के मापक मुहावरों के रूप में कुछ शब्दों का उपयोग किया जा रहा है। जो मुहावरे हैं वो स्वतंत्र रूप से नहीं होते, अपितु वाक्य के प्रसंग के अनुसार ही इनका उपयोग किया जाता है। जो मुहावरा है वो पूर्ण वाक्य नहीं होता, मुहावरे के अंत में अधिकतर क्रियापद का उपयोग किया जाता है। अब है आपका लोकोक्तियां कहावत। जो लोकोक्ति है, लोकोक्ति से आशय लोक या जनता में प्रचलित उक्ति से है। जैसे कि आप इसके शब्द में ही देख रहे हैं लोकोक्ति, लोकोक्ति का मतलब है लोक और प्लस उक्ति, उक्ति। लोक का मतलब है जनता या समाज के मध्य है, और उक्ति का मतलब जैसे हम कोटेशन बोलते हैं, एक ऐसी उक्ति जो जनता के मध्य बहुत लंबे समय से प्रचलित है उसको हम क्या कहते हैं, लोकोक्ति कहते हैं। जैसे मुहावरे जो होते हैं वो बनते और बिगड़ते रहते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, वहीं जो लोकोक्तियां होती हैं वो अपरिवर्तनशील होती हैं और जनता के मध्य बहुत लंबे समय से प्रचलित होती हैं। जो लोकोक्तियां हैं ये लंबे समय से जनता के मध्य आके जनमानस में प्रचलित हो जाती हैं, तो ऐसे उक्ति को हम लोकोक्ति कहते हैं जो जनता के मध्य बहुत लंबे समय से प्रचलित है और अपरिवर्तनशील है, ऐसी उक्ति को हम लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति से तात्पर्य एक ऐसे वाक्य से है जो चमत्कार ढंग से संक्षेप में किसी सत्य नीति के आशय को स्पष्ट या सशक्त रूप से व्यक्त करता है। क्योंकि जब हम किसी लोकोक्ति का उपयोग किसी वाक्य में करते हैं तो उससे क्या होता है कि उस वाक्य में चमत्कार उत्पन्न होता है और अपनी बात को संक्षेप में कह सकते हैं और किसी नीति को स्पष्ट करने के लिए या सशक्त बनाने के लिए हम उस शब्द में लोकोक्ति शब्द का उपयोग करते हैं। सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे मुहावरा नहीं आएगा, लोकोक्ति आएगा। लोकोक्ति के उपयोग से बोली में अधिक स्पष्टता, प्रमाणिकता और जीवितता आती है। यानी कि जब लोकोक्ति का उपयोग अपनी बात को या नीति को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है तो जो हमने बात की है उसको अधिक प्रमाणित बनाता है, जीवंतता प्रदान करता है और स्पष्ट करता है। तो इसलिए जो लोकोक्ति है हम किसी बात को, नीति को सत्य बनाने के लिए, प्रमाणित बनाने के लिए, उसे रिलेवेंट या प्रासंगिक बनाने के लिए, स्पष्ट बनाने के लिए कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो लोकोक्तियां हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले लोकोक्ति और कहावत नीति विषयक और धार्मिक होती हैं, अतः व्यक्ति पर स्थायी प्रभाव डालती हैं। क्योंकि जो
लोकोक्तियाँ हैं वो नीति विषयक होंगी, धार्मिक होंगी, इसलिए किसी व्यक्ति पर स्थायी रूप से प्रभाव डालती हैं। भले ये देखने में छोटी लगती हैं, लेकिन इनके जो भाव होते हैं वो बहुत ही गंभीर होते हैं। देखने में बहुत छोटी लगेंगी, लेकिन जब इनका उपयोग किया जाता है तो इसका जो भाव है किसी व्यक्ति विशेष पर बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से पड़ता है, भले ये देखने में छोटी लगती हैं। जो लोकोक्तियाँ हैं ये पूर्ण वाक्य होती हैं और स्वतंत्र होती हैं, जबकि अभी हमने देखा था कि जो मुहावरे हैं वो पूर्ण वाक्य नहीं होते हैं और ना ही स्वतंत्र होते हैं, वहीं लोकोक्तियाँ पूर्ण वाक्य भी होंगी, स्वतंत्र होंगी, है ना। और जो लोकोक्तियाँ हैं उनके, जैसे आपने देखा है कि जो मुहावरे हैं, मुहावरे के अंत में अधिकतर क्रियापद या ना शब्द का उपयोग किया जाता है, लेकिन लोकोक्तियों के अंत में क्रिया शब्द या ना का आना जरूरी नहीं है, आ सकता है लेकिन कंपलसरी नहीं है। इनके उपयोग से स्पष्टता और रोचकता आती है। अभी मैंने बताया है कि जब लोकोक्तियों का उपयोग किया जाता है तो किसी भी वाक्य को स्पष्टता प्रदान करते हैं और रोचकता प्रदान करते हैं। ये गागर में सागर होता है, यानी कि ज्यादा बातों को छोटे चीज में कहने के लिए, जैसे हम अपना एसे लिखते हैं या कोई निबंध लिखते हैं तो उसमें बीच बीच में छोटी कोटेशन डालते हैं। कोटेशन डालने का मतलब है कि जो चीज हमने लिखी है उसको अधिक स्पष्ट करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए हम बीच बीच में कोटेशन डाल देते हैं। और दूसरी चीज है शब्दों को समेटने के लिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है तो शब्दों को समेटने के लिए भी उक्ति यानी कि लोकोक्ति शब्द का उपयोग किया जाता है। तो इसलिए क्या होती है, गागर में सागर होती हैं। इनका हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में जितना अधिक उपयोग होता है उससे अभिव्यक्ति क्षमता उतनी ही प्रभावपूर्ण व रोचक होती है। जब लोकोक्तियों का हिंदी में या उर्दू में भाषाओं में जितना अधिक उपयोग होगा उससे अभिव्यक्ति की क्षमता, कहने का मतलब है अपनी बातों को उतने ही प्रभावपूर्ण रूप से और रोचक रूप से हम अपनी बातों को कह सकते हैं। जो लोकोक्तियां हैं वो मानव ज्ञान का भंडार या रत्न मानी जाती हैं। बट जब किसी को ज्ञान ही नहीं होगा तो वो किसी उक्ति का उपयोग नहीं करेगा, और उक्ति का उपयोग कब करेगा, जब किसी व्यक्ति के पास ज्ञान का भंडार होगा। तो ज्ञान का भंडार क्या है, लोकोक्तियां मानी जाती हैं, इसलिए ये गागर में सागर होती हैं और मानव ज्ञान का भंडार मानी जाती हैं। अब देखते हैं कि मुहावरे और लोकोक्तियों में क्या क्या अंतर है। एक तरफ है मुहावरे और दूसरी ओर है लोकोक्तियाँ। जो मुहावरे हैं वो पूर्ण वाक्य नहीं होते हैं, मैंने भी बताया था कि मुहावरों के अंत में अधिकतर ना आता है या क्रियापद आता है। जो लोकोक्तियाँ होती हैं वो पूर्ण वाक्य होते हैं, ऐसा नहीं है कि लोकोक्तियों के अंत में ना नहीं आ सकता, आ सकता है लेकिन बहुत कम आएगा। और जो लोकोक्तियाँ होंगी वो पूर्ण वाक्य होंगी, और जो मुहावरे होते हैं वो पूर्ण वाक्य नहीं होते हैं। मुहावरा छोटा होता है, लेकिन वही जो लोकोक्तियाँ होती हैं दीर्घ और भावपूर्ण होती हैं, यानी कि लोकोक्तियाँ मुहावरों की कंपेयर में बड़ी होंगी और भावपूर्ण होंगी, यानी कि किसी व्यक्ति विशेष पर घने ज़्यादा गंभीर रूप से प्रभाव छोड़ती हैं। जो मुहावरे हैं इनका उपयोग कथन में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए होता है, वहीं जो लोकोक्तियाँ हैं इनका उपयोग किसी कथन में सत्य और नीति के आशय को स्पष्ट करने के लिए और प्रमाणित करने के लिए किया जाता है। यानी कि मुहावरे का उपयोग चमत्कार उत्पन्न करने के लिए किया जा रहा है, वहीं लोकोक्तियों का उपयोग किसी नीति और आशय को स्पष्ट करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए किया जाता है। मुहावरे के अंत में अधिकतर क्या आता है, ना आता है, लेकिन लोकोक्तियों के अंत में ना आना आवश्यक नहीं है लेकिन आ सकता, जैसे कि मैंने अभी बताया है। मुहावरे का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, जबकि जो लोकोक्तियां हैं उनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है और इनके द्वारा किसी कथन की पुष्टि की जाती है। मुहावरा समय और व्यक्तियों के अनुसार परिवर्तनशील होते हैं, जबकि जो लोकोक्तियाँ होती हैं वो अपरिवर्तनशील होती हैं। जैसे मैंने अभी अभी बताया था कि जो मुहावरा है, मशीन युग के मुहावरे और आज के जो आधुनिक युग के मुहावरों में अंतर माना जाता है, या प्राचीन युग के मुहावरे और आधुनिक युग के मुहावरों में अंतर माना जाता है। मुहावरे देश और समाज के अनुसार परिवर्तनशील होते हैं, जबकि जो लोकोक्तियां हैं वे अपरिवर्तनशील होती हैं। जो लोकोक्ति होगी वो लंबे समय तक जनता के मध्य प्रचलित होती है, उसी को हम लोकोक्ति कहते हैं।
अब हम देखते हैं कि मुहावरे और लोकोक्तियों में समानताएं क्या हैं। दोनों की भाषा शैली सरल होती है, प्रभावशील होती है और जिससे भाषा में स्पष्टता आती है, यानी कि भाषा शैली सरल होगी और प्रभावशाली होती है। दोनों का उपयोग किसी अन्य अर्थ में नहीं किया जा सकता, यानी कि जो आपके चाहे मुहावरे हैं लोकोक्ति हैं उनका उपयोग किसी अन्य अर्थ में नहीं किया जा सकता। और दोनों के लिए दोनों के प्रयुक्त जो शब्द हैं उनके स्थान पर पर्यायवाची या समानार्थी शब्दों का उपयोग भी नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो मुहावरे हैं या आपके कहावत या लोकोक्तियां हैं उनके स्थान पर पर्यायवाची या समानार्थी शब्दों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। दोनों ही गंभीर और व्यापक अनुभव का उपज है, यानी कि गंभीर रूप से प्रभाव डालती हैं और बहुत ही व्यापक अनुभव का ये उपज का मतलब उत्पन्न होती हैं। दोनों की ही सार्थकता और प्रमाणिकता प्रयोग के बाद सिद्ध होती है, यानी कि जब मुहावरे का उपयोग करने से चमत्कार भी उत्पन्न होगा और जो आपकी लोकोक्तियां हैं उनके उपयोग करने से चमत्कार, प्रमाणिकता, सार्थकता, स्पष्टता सिद्ध होती है किसी भी वाक्य को, किसी भी अपनी बात को या नीति को या सत्यता को प्रूव करने के लिए। इसलिए दोनों ही क्या होते हैं, सार्थक और प्रमाणिकता के बाद ही सिद्ध होते हैं। इस तरीके से हमने देखा है कि मुहावरे का अर्थ क्या होता है, मुहावरे की परिभाषा क्या है और मुहावरे की विशेषताएं क्या हैं और ये विशेषता किस तरीके से उपयोग की जाती हैं और जो आपकी लोकोक्तियां हैं उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और उसकी विशेषताएं क्या हैं, इन सबको फिर हम देखते हैं कि मुहावरे लोकोक्तियों में अंतर क्या है, फिर हमने देखा है कि दोनों में समानताएं क्या हैं। तो इस तरीके से हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं मेंस में 10 नंबर से मुहावरे और लोकोक्तियां आती हैं, तो उसमें आपके मुहावरे जो लोकोक्तियां हैं उनकी परिभाषा भी पूछ सकते हैं, उनकी विशेषता भी पूछ सकते हैं, दोनों में अंतर भी पूछ सकते हैं और दोनों में समानताएँ भी पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे अर्थ, परिभाषा, विशेषता होगी है और प्लस हमारा क्या है, आपकी अंतर हो गए हैं और समानताएं हो गई हैं। इस तरीके से हमारे 4-5 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और बाकी जो क्वेश्चन बनते हैं जो आपके मुहावरे लोकोक्तियां होती हैं उनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो मेंस में 10 नंबर से मुहावरे और लोकोक्तियां आती हैं, प्री में भी 2-3 नंबर का मुहावरे और लोकोक्तियां आती हैं।